एयर इंडिया का एक विमान कुछ वर्षों पहले हादसे का शिकार हुआ था। उस विमान का नाम है कनिष्क। इस विमान को टोरंटो से लंदन ले जाते समय 31,000 फीट की ऊंचाई पर बम से उड़ा दिया गया। इसमें सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकांश भारत में जन्मे या भारतीय मूल के कनाडाई लोग थे। पता चला कि 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानियों के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई का बदला लेने के लिए यह आतंकी हमला खालिस्तान की मांग कर रहे सिख कट्टरपंथियों के ग्रुप बब्बर खालसा ने किया है। नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। यह घटना है 23 जून 1985 की। एयर इंडिया का एक यात्री विमान जिसका नंबर 182 था, कनाडा के टोरंटो से चलकर लंदन होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस हवाई जहाज में 307 पैसेंजर और 22 क्रू मेंबर्स सवार थे। टोरंटो से उड़ान भरने के बाद यह एयर इंडिया का विमान कनिष्क 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। टोरंटो हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद कनिष्क को आकाश में उड़ते हुए लगभग 4.5 घंटे हो चुके थे। एयर इंडिया के इस यात्री विमान की अगली मंजिल लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा था। अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ते हुए यह जहाज अगले 45 मिनट बाद लैंड करने वाला था। उस रूट पर उस वक्त एयर कंट्रोल रूम के राडार पर 3 विमान दिखाई दे रहे थे। अचानक ही एक जहाज उनके राडार पे दिखना बंद हो गया। यह विमान था एयर इंडिया का कनिष्क। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के वो कर्मचारी जो विमानों पर नज़र रख रहे थे, यह समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ही कनिष्क विमान हवा में कहां गायब हो गया। एयर इंडिया का फ्लाइट कनिष्क 31,000 फीट की ऊंचाई पर तेज धमाकों के साथ ही आग के गोले में तब्दील हो गया और धमाकों के बाद यह जलता हुआ प्लेन आयरलैंड के पास अटलांटिक महासागर में जा गिरा था। हवा में इस जहाज के गायब होने की सूचना पर तत्काल ही लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के आपातकालीन बचावकर्मी कनिष्क विमान की खोज में निकल पड़े। इस यात्री विमान में बैठे सभी 307 पैसेंजर और 22 क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी थी। इन 329 लोगों में 86 बच्चों सहित बहुत से सिख लोग शामिल थे, लेकिन समुद्र में जो उन्होंने मंजर देखा वह बड़ा ही भयावह था। चारों तरफ विमान के टुकड़े और लोगों की लाशें तैरती हुई दिखाई दे रही थीं। इस विमान दुर्घटना से लगभग 1 घंटे पहले टोक्यो हवाई अड्डे पर कनाडा पैसिफिक एयरलाइंस के सामान में भी धमाका हुआ था। इस धमाके में एयरपोर्ट के सामान उठाने वाले 2 कर्मचारी मारे गए। जिस सामान में यह धमाका हुआ था वह सामान बैंकॉक जाने वाले एयर इंडिया के विमान में रखा जा रहा था। इस खबर ने कनाडा से लेकर भारत तक की सरकारों को चिंता में डाल दिया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ट्विन टावर पर हवाई हमले हुए थे। उससे पहले दुनिया में यह सबसे बड़ा हवाई हादसा था। इस दुर्घटना के बाद कनाडा, भारत और इंग्लैंड की सरकारों ने अपनी तफ्तीश शुरू की। समुद्र से निकाले गए मलबे में सबूतों की तलाश कर रहे अधिकारियों को अचानक ही 12 जुलाई को जहाज का ब्लैक बॉक्स अर्थात फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिला। जब इसकी जांच की गई तब पता चला कि जहाज के कार्गो कक्ष में जोरदार बम धमाका हुआ था। जांच को और आगे बढ़ाया गया और पता लगाने की कोशिश हुई कि आखिर यह बम फ्लाइट में कैसे पहुंचा। पड़ताल के दौरान पता चला कि फ्लाइट हादसे के ठीक 1 दिन पहले अर्थात 22 जून को एम सिंह और एल सिंह नामक 2 व्यक्तियों ने कुछ घंटों के अंतराल पर वैंकूवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने बम वाले सूटकेशों को चेक इन करवाया, लेकिन चेक इन के बाद ये दोनों व्यक्ति अपने विमानों में सवार नहीं हुए। परंतु इनके द्वारा चेक इन कराए गए एक सूटकेस से एयर इंडिया विमान 182 में विस्फोट हुआ और दूसरे सूटकेस से टोक्यो के नारिटा हवाई अड्डे पर।
एम सिंह और एल सिंह का कभी पता नहीं चला, लेकिन इस जांच पड़ताल में इस घटना के तार आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा के साथ जुड़े होने के सबूत मिल गए, जिसका संस्थापक तलविंदर सिंह परमार था, जो पंजाब में पैदा होने वाला एक कनाडाई नागरिक था। इस संगठन का मकसद खालिस्तान राज्य की स्थापना करना और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार कार्रवाई का बदला लेना चाहता था। एक रिपोर्ट के अनुसार 1992 में पंजाब पुलिस की कार्रवाई में तलविंदर सिंह परमार मारे जाने से पहले अपना गुनाह कबूल किया था। उसने बताया था कि मई 1985 में इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का एक पदाधिकारी लखवीर सिंह मेरे पास आया। उसने सिखों के लिए कुछ हिंसक गतिविधियों के संचालन में मेरी मदद मांगी। हमने बम बनाने के लिए डायनामाइट और बैटरी जैसे सामानों को इकट्ठा किया। इसके बाद मैं, लखवीर सिंह और इंदरजीत सिंह रियात ने एक डायनामाइट को एक बैटरी के साथ जोड़ा और विस्फोट कर उसका परीक्षण किया। तलविंदर सिंह परमार आगे बताते हुए कहता है कि लखवीर सिंह, इंदरजीत सिंह और उसके साथी मनजीत सिंह ने टोरंटो से लंदन के जरिए दिल्ली जाने वाले एक एयर इंडिया विमान और टोक्यो से बैंकॉक के लिए रवाना होने वाली एक और उड़ान में बम रखने की योजना बनाई। हम अपने मकसद में कामयाब रहे। इस हादसे में कई नाम सामने आए, लेकिन उनके खिलाफ पुख्ता सबूत न होने की स्थिति में उन्हें छोड़ दिया गया। मुख्य रूप से तलविंदर सिंह परमार और इंदरजीत सिंह रियात का नाम सामने आया। एक नाम और था, लेकिन उसका कोई पता न चला। तलविंदर सिंह परमार को पंजाब पुलिस ने मार गिराया। इंदरजीत सिंह रियात को कनाडा की पुलिस ने 1991 में गिरफ्तार किया। उस पर कनाडा और फिर यूके में केस चला। उसे 30 साल की सजा हुई। इंदरजीत सिंह रियात ही वह इंसान था जिसने एयर इंडिया के विमान कनिष्क को बम से उड़ाने के लिए बम बनाने का सामान ले आया था, और आज की तारीख में रियात आजाद घूम रहा है। आज के क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।